गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा है। गृह मंत्री ने कमलनाथ पर कहा कि कमलनाथ ने महान भारत को बदनाम भारत कहा था और वैसे ही उनके नेता राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम किया है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कला है जिसकी वजह से जीतू पटवारी के निलंबित पर सब चुप हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते केसों पर कहा है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, जगह जगह पर कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी हो गई है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। जीतू पटवारी को निलंबित करने पर भी ना तो कमलनाथ ने कोई आपत्ति जताई और ना ही दिग्विजय सिंह ने कोई आपत्ति जताई, जिससे साबित होता है कि कांग्रेस में आंतरिक कला है। कमलनाथ अविश्वास जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी उपस्थित नहीं थे, साबित होता है कि कांग्रेस में कोई एकजुट भी नहीं है। कांग्रेस की बेचैनी सबके सामने है, वो अपने वरिष्ठ नेताओं की अपेक्षा कर रही है। भाजपा की रणनीति साफ है, सबका साथ सबका विकास। भाजपा ने लाडली बहना जैसी योजनाएं भी निकाली हैं। सरकार पूरी तरह से कोरोना पे अलर्ट है और सभी चिकित्सालयों में पूरी व्यवस्था है, सभी ओर ध्यान रखा जा रहा है। ये कांग्रेस की अंतर्कलह है, वो सही कह रहे हैं, उन्हें मालूम है 2023 के परिणाम में कांग्रेस आने वाली है ही नहीं। और जिस तरह से माननीय अरुण यादव जी की उपेक्षा कांग्रेस कर रही है, अजय सिंह जी की उपेक्षा कर रही है, ये वरिष्ठ नेता बहुत सारे हैं जिनकी उपेक्षा कर रही है, उससे कांग्रेस की स्थिति समझ में सबको आ रही है। आगे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ और उनके नेता राहुल गांधी भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और इसी वजह से वो विदेशी धरती पर देश के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। कभी राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं तो कभी देश के जवानों पर सवाल उठाते हैं और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से जनता इसके खिलाफ है और इसी वजह से यह लोग चुनाव हार रहे हैं। आगे गृह मंत्री ने कहा कि जीतू पटवारी के निलंबित पर विधानसभा अध्यक्ष का कोई रोल काल नहीं है, कांग्रेस जबरन उनको बदनाम कर रही है और सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का सहारा ले रही है। ये लोग हमें तानाशाह बोलते हैं जबकि ये खुद इमरजेंसी के खलनायक हैं। भारत को बदनाम करने का राहुल जी ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा और इसीलिए वो हमारे देश की विदेश की धरती पर जाके मखौल उड़ाते हैं। कभी भारतीय लोकतंत्र पर ये खतरा बताते हैं राहुल बाबा, कभी जैसा आपने कहा उसके पहले वैक्सीन पर उंगली उठा देते हैं, ये सेना पे उठा देते हैं, पुलवामा के शहीदों पर उठा देते हैं, चीन का गुणगान करते हैं। तो ये खुद राहुल बाबा की स्थिति ऐसी है कि ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई भी चीज नहीं छोड़ते। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।